हाल ही में गाजियाबाद से गेमिंग जिहाद का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें ये पता चला था कि कुछ लोग गेमिंग एप्स के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश करते थे और उनका धर्मांतरण करवा रहे थे। मामले के खुलते ही मुख्य आरोपी फरार हो गया था और अब मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो भी पकड़ में आ गया है और उसने ये बताया है कि कैसे वो सारे खेल को अंजाम दे रहा था। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिगों को जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया था और अब केस के मुख्य आरोपी शाहनवाज खान उर्फ बद्दो को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुख्य रूप से ठाणे का रहने वाला बताया जा रहा है। इस केस में पहले ही पुलिस इलाके की एक मस्जिद की मौलवी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि एक नाबालिग बच्चे को ऑनलाइन गेमिंग में जीतने का लालच देकर आरोपियों ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया था। बच्चे के परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उसके पिता ने बेटे का पीछा किया और वो पाया कि वो एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें इस वर्चुअल धर्मांतर रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। अब आपको बताते हैं कि इस गंदे खेल के मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ा कैसे। गेमिंग जिहाद के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने यह बताया कि पिछले कई दिनों से अलीबाग और मुंब्रा पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत शाहनवाज की तलाश हो रही थी। आरोपी बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस उसके रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही थी, जिसमें ये पता चला कि आरोपी मुंबई के वर्ली में छुपा है और इसके बाद वो रायगढ़ के अलीबाग भाग गया। पुलिस ने यहां उसे एक लाउंज से दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी बद्दो ने यह बताया कि फोर्टनाइट गेमिंग ऐप के जरिए साल 2021 में उसकी पहचान नाबालिग बच्चे से हुई थी। इसके बाद एक दूसरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल करने लगे और फिर फोन पर भी बात होने लगी। उसने बताया कि दोनों ने फोर्टनाइट गेम खेलना बंद कर दिया। साल 2021 के दिसंबर में दोनों ने वैलोरेंट गेम के जरिए फिर से गेम खेलना शुरू किया। बद्दो ने बताया कि डिस्कॉर्ड ऐप पर शाहनवाज की अच्छी रैंकिंग से आकर्षित होकर लड़के उससे चैट करते थे। इसी दौरान वो लड़कों को बरगलाता था और चैट में ही इस्लाम धर्म से जुड़े फायदे बताकर उन्हें फंसाने का प्लान बनाता था। बद्दो ने यह भी बताया कि गेम हारने के बाद बच्चों से ये कहा जाता था कि वो कुरान की आयत पढ़ें तो जीतने लगेंगे। इसके बाद जब बच्चा आयत पढ़कर गेम खेलता तो साजिश के तहत उसे जितवाया जाता था, जिससे उसका इस्लाम की ओर झुकाव ज्यादा होने लगा। इसके बाद बच्चों से डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए चैटिंग की जाती थी और बच्चों का भरोसा जीतकर उनको इस्लाम की जानकारी दी जाती थी। इस दौरान बच्चों को जाकिर नाइक से लेकर तारिक जमील के कट्टरपंथी वीडियो भी दिखाए जाते थे और फिर जब बच्चे इस्लाम अपनाने के लिए तैयार हो जाते थे तो उनका एफिडेविट बनवाया जाता था। गाजियाबाद के इस केस में स्थानीय इलाके के एक मौलवी भी बद्दो के साथ शामिल था। इसमें यह देखा गया है कि वह बच्चों को मानसिक रूप से धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के लिए विदेश यात्रा का लालच भी दे रहा था। उसने बच्चों को दुबई ले जाने की बात कही थी। इसमें यह भी माना जा रहा है कि इस मामले में दुबई के कुछ कट्टरपंथी भी शामिल हो सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।